तो आज के हम इस अपनी ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे हैं और तो सीक्वेंस नंबर जनरेट करने की। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से इसकी मदद से हम सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं, तो हमने सिंपल बताया था और कैसे कैसे सीक्वेंस नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आगे नेम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 2 3 आ जाए, इसलिए हमने 1 लिखा और फिर इसके नीचे हमने इसका कंडीशन लगाया कि इफ अगली सेल अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले में +1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। और फिर इसको नीचे की तरफ आपने ड्रैग कर लिया, तो जैसे यहाँ पे हमने पूजा लिखा, यहाँ पे जैसे ओम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ जाएगा। और साथ में अगर कहीं ब्लाइंड गैप होता है तो सीरियल नंबर एरर आता है, तो उसके लिए आपने मैक्स इस्तेमाल किया, जैसे कि हमारी पिछली क्लासेस में बात हुई थी। फिर हमने आपको बताया था कि जितना हम चाहते हैं उतना ही सीरियल जनरेट हो। जैसे कि अगर यहाँ पे सीरियल नंबर हमने दिया और 1 हमने यहाँ पे लिख दिया और हम चाहते हैं कि टॉप 10 तक ही सीरियल नंबर जनरेट हो या टॉप 15 तक, जितना मैं यहाँ दूंगा उतना सिक्वेंस नंबर जनरेट होगा। इसका यूज हम लोग वी लुकअप में आगे डेटा लिस्टिंग वगैरह में इसका यूज करते हैं कि इफ इसमें +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे ब्लैंक कर दे, अदरवाइज इसमें +1 करे। और नीचे ड्रैग करने से पहले दो चीजें करनी है, पहले तो हमें इसको फ्रीज करना है जो हमारा G10 टॉप 10 है, और दूसरा क्या करना था, इफ एरर लगाना था, राइट सर। इसको नीचे की तरह हम ड्रैग कर देते हैं, तो इस टॉप 10 अगर यहाँ नीचे ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं 15 करूंगा तो 15 तक जाएगा, अगर 7 किया तो 7 तक जाएगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक जनरेट सीरियल नंबर, जैसे कि बहुत सारी चीजों में होता है। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ हम सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ नेम है, डिपार्टमेंट है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो सीएल में कुछ इस तरह से होता है कि यहां पे हमने पूजा सिंह मान लीजिए, पूजा सिंह, और यहां मान लीजिए कि हमने डिपार्टमेंट दे दिया HR, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए आज का दे दिया। तो कुछ इस तरह से करना होता है, सबसे पहले देना होता है ईयर कि किस साल में ज्वाइन हुआ है, उसके बाद देना होता है फर्स्ट लेटर ऑफ द डिपार्टमेंट या 2 लेटर, उसके बाद देना होता है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, नहीं डिपार्टमेंट सही है सर, और फिर यहां पे 1 2 3 इस तरह से होता है। समझ गए? हेलो, यस जी सर, हाँ जी सर। इस तरह के सीरियल नंबर कैसे जनरेट होगा? तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा ईयर का, जो कि किसी भी डेट से ईयर को अलग कर देता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा मंथ का, जो कि मंथ नहीं, इसे मंथ की जरूरत नहीं है, नहीं लेफ्ट, लेफ्ट का फॉर्मूला, जी हाँ लेफ्ट फॉर्मूला, जो कि लेफ्ट से अलग करेगा, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा रो, जो कि आपका रो नंबर बताता है। तो यहां पे कुछ इस तरह से हम लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले देंगे ईयर, इसमें से ईयर अलग होगा और फिर इसके साथ स्लैश हम कंबाइन करेंगे। फिर लेफ्ट का फॉर्मूला होगा जो कि डिपार्टमेंट का अलग करेगा 1 लेटर कॉमा 1, और फिर इसके साथ N% रो होगा, लेकिन इसमें हमें देना होगा इस तरह से स्लैश और फिर N% रो। तो रो फॉर्मूला जहां लगता है उसका रो नंबर देता है, ठीक है। आ गया सर, वो जो 2 आ गया ना, आप इसमें -1 कर दीजिए, ओके आ गया 1। अब जैसे मान लीजिए पूजा सिंह, माने यहाँ पे ओम, HR, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए कि 1/1/2019 का था मान लीजिए,
तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक स्केल नंबर जनरेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट अगर चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, 2, 3 करेगा वो, इनिशियल होता है ना सर। जैसे कि गाड़ी का नंबर कैसे होता है आपका, गाड़ी का नंबर ही क्या होता है सर, आपका ये होता है ना कि बी मैंने आप में से बिहार, मेरा बिहार का नंबर है BR06, ठीक है। उसके बाद होता है CJ और एक नंबर होता है, तो BR मतलब कि स्टेट कोड होता है 06, RTO नंबर होता है, CJ टाइप ऑफ गाड़ी होता है 19787 सीक्वेंस नंबर होता है, क्या यही होता है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, स्टेट कोड ले लिए, सिटी आपका, RTO नंबर आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है कि ये नंबर कंटिन्यू कैसे होगा। मान लीजिए कि BR06 CJ का सीरीज मुझे अलॉट किया गया है, अब मैं इससे आगे जो बनाऊंगा वो इसी को कंटिन्यू करूंगा कि यहाँ पे 87 होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 89, यहाँ पे 89 होना चाहिए। बात समझ में आया सर? हेलो जी सर, कैसे करें इसको कंटिन्यूअस? 88 होगा ना यहाँ पे, वही जो रो आ रहा है तो उससे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा सर, बट H अगर वो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, 1987 से स्टार्ट हुआ है, कोई भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है। ओके, समझ गया ना, और लास्ट के चार लेटर को ही आगे कंटिन्यूस करना है, बाकी सेम होना चाहिए। ओके, तो इसमें एक चीज है कि आप इसको ड्रैग भी करेंगे तो आपका ये आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में नंबर है तो ड्रैगिंग कर लेता है। ओके, लेकिन मुझे फॉर्मूला के साथ चाहिए, तो आपको यहां करना होगा दो चीजें फॉर्मूला, एक लेफ्ट का यहाँ पे सॉरी एक राइट का लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना होगा, और इसमें से आपको लेन देना होगा कि भाई इसकी लेंथ में से 4 डिजिट कम कर दो। ठीक है, लास्ट के 4 नंबर कम होगा, ये समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं? हेलो, हाँ सर, हाँ जी सर। इसमें मैं N% लगाता हूँ और फिर वापस मैं राइट का फॉर्मूला देता हूँ और राइट से 4 लीटर को अलग करता हूँ, 4 लीटर को, अब उसमें मैं +1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, आ गया। अब एक कंटिन्यूस नीचे की तरफ मूव होगा, समझ गए? डाउट इसमें सर, अभी इसमें लेफ्ट और राइट के फॉर्मूला में जो सीजे है वो भी चेंज होगा क्या उसकी वजह से? नहीं, सीजे चेंज का होना है, फिक्स हो गया। अभी एक जैसे 999 के बाद में सीजे भी चेंज होना चाहिए, राइट? नहीं, तो जब होगा तब उसका अलग कंडीशन देना पड़ेगा, उसको इतना आगे मत सोचिए ना पहली क्लास में। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली वही पूछ रहा था, राइट और लेफ्ट उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना? हाँ, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमने सीजे को कुछ किया ही नहीं है ना, हमने तो बस लास्ट से नंबर निकाल कर +1 कर दिया। लेकिन अगर आपको ए करना है, कंफ्यूजन कब होगी, जब होगा यहां आपको BR06 CJ, अब मैं नीचे ड्रैग करूं तो 87 जो है वो 88 होना चाहिए और 07 हमारा 08 होना चाहिए, 06 07 होना चाहिए, मतलब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरा 2 नंबर इंक्रीज होना चाहिए, BR के बाद जो 2 डिजिट का नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए और 06 के बाद जो नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए, समझे? तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट का और इसमें से हम 2 डिजिट अलग कर लेंगे, लिया आ गया? Okay. फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिड का, जो कि बीच में से किसी चीज को अलग कर सकते हैं, तो हमने बोला कि यहां से 3rd नंबर से 2 नंबर अलग करना है, 06 हो गया। अब यही चीज हम यहां करेंगे, N% लगाएंगे और यहां पे करेंगे मिड, हमने इसको बोला कि भाई 3rd नंबर से 2 नंबर अलग कर, फिर N% इसमें लगाया। इसमें प्लस 1 कर सकते हैं तो 7 हो जाएगा, ऐसा +1 कर देते, सॉरी N% लगाया।
अब मुझे यहां जो है पास में ना, इसी यहां पे हमें एन परसेंट करना है वापस मिड। मिड में इस बार बोलना है कि पांचवें नंबर से दो लेटर अलग करना है जो कि सीजे है। फिर एन परसेंट हमने बोला राइट, और इसमें से चार लेटर अलग कर दिया और इसमें प्लस वन कर दिया। अच्छा, मिड में यहाँ पे हम लेटर सेलेक्ट करना भूल गए। हाँ ओके, बट इसमें देखिए मिड में 07 नहीं आया। क्यों नहीं आया उसमें? रीजन क्या है ना आने का? ना आने के पीछे रीजन क्या है बताइए। न्यूमेरिक ने इसने क्या किया, 07 टेक्स्ट था, जब उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया तो 0 गायब हो गया। जैसे सिंगल कोड करके 07 आपने ले लिया ना, जब मैं इसमें प्लस वन करूंगा तो 0 याद कर देगा ना। तो क्या करें इसके लिए? कंडीशनल फॉर्मेट नहीं नहीं टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे लगेगा कि इसमें हमें 0 ऐड करें, समझे? जीरो भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जी हाँ, टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, इस मिड को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दीजिए। अभी एक एक फॉर्मूला कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक वन बाय वन कीजिए, ठीक है ना? और यहां पे हमने कर दिया दो इन्वर्टेड कॉमा में 20, ठीक है? अब आ गई सर, क्लियर है? यस। ये तो न्यूमेरिक का हो गया, अल्फाबेट को कैसे चेंज करें? जे को क्या अल्फाबेट में क्या करना है आपको? जे है ना, उसको भी अगर चेंज करना चाहें। हाँ, जैसे कि आप इसमें एक क्वेश्चन ही बन सकता है कि जब मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ तो मैं हर लेट फर्स्ट लेटर से मैंने कि कोड टाइप का कि यहाँ पे ए ए मान लीजिए कि डबल लेटर होगा ए ए, और यहाँ पे नंबर होगा 2001, और फिर इसमें मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि सेकेंड लेटर होगा सी जे या कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे चार मान लीजिए ना, मुझे यहाँ पे एट डिजिट का कोड बनाना है। एट डिजिट का क्या क्या बनाना है? कोड बनाना है, जिसमें पहला दो लेटर होना चाहिए अल्फाबेटिक, ठीक है, एबीसी। फिर जो है चार लेटर नंबर होना चाहिए न्यूमेरिक, और फिर जो है दो लेटर अल्फाबेटिक होना चाहिए, और फिर एक डेट होगी। अच्छा, लेटर आठ एट होना गया, दो दो चार आठ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ए मान लीजिए कि ए बी यहाँ पे दे दिया 1987, और यहाँ पे मान लीजिए सी जे। कैसे करेंगे इसको सर? हर बार नंबर अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हम रैंड बिटवीन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में हमें क्या चाहिए? अल्फाबेट चाहिए। तो याद है आपको, ए जब आप यहाँ पे जो ए डालते हैं कैपिटल में, और इसको जब आप कोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 65 देता है। ऐसी फॉर्मूला देते हैं, इसको जब कोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 90 होता है। मतलब 65 से 90 के बीच में कोई भी मान जितने भी कोड होते हैं वो अल्फाबेट के लिए होते हैं। इसको वापस लाने के लिए हम कैर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर वापस कैरेक्टर आ जाता है। तो मैं यहां पे कर सकता हूं, यहां पे कैर फॉर्म, यहां इक्वल कैर। कैर के अंदर में
रैंड बिटवीन दूंगा, रैंड बिटवीन बोलूंगा 65 to 90, रैंड नहीं होगा, रैंड बिटवीन होगा, माफ कीजिएगा 65 to 90, फिर फर्स्ट लेटर दे देगा। अब इसी को हम कॉपी करके इसी के बगल में कंबाइन कर देते हैं और अगेन दे देते हैं दूसरा लेटर के लिए। ओके, फिर यहाँ पे देते हैं वापस, यहाँ पे मैं रैन बिटवीन देता हूँ 4 डिजिट का कोई रैंडम नंबर के लिए जो कि है 111 से लेके 999 के बीच में, ठीक है सर। ओके, फिर एंड बिटवीन एंड परसेंट लगाता हूँ और आपका जो पहले तो दो लेटर दिया था वो दो लेटर यहाँ पे देता हूँ, हो गया सर। और हमेशा एक नया लेटर देगा। अब इसका यूज कहां करेंगे आप? अब बोला सर कैपिटल के साथ स्मॉल भी होना चाहिए, हमें लास्ट के जो है पास ये लास्ट का जो 7वां नंबर मुझे स्मॉल चाहिए, तो आप यहां पे ये देख लीजिए कि स्मॉल लेटर का कोड क्या है, ए का कोड क्या है और जेड का कोड क्या है 97 से 122, तो यहां पे 97 से 122 का इसका यूज मैंने किया था, समझे। हुआ क्या था कि एक ऑफिस में मैं काम करता था, वहां पे क्लाइंट्स के फाइल थे, क्लाइंट के फाइल्स में उनका क्रेडिट कार्ड नंबर था। अब ना ओटीपी सिस्टम आ गया है, अगर आप बात करें 2007-8-9 में तो क्रेडिट कार्ड के लिए ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं था, है सर। तो उस समय जो है क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता था वो संभाल के रखना होता है, किसी को क्रेडिट कार्ड का नंबर पता चल गया तो कार्ड एक्सेस कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है उस क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह थे, तो हमारे बॉस का कहना है कि कोई अगर इस फाइल को खोलता है तो पता चलना चाहिए कि हाँ किसने इस फाइल को खोला है, और फाइल मतलब कि इजीली नहीं खुलना चाहिए, तो पासवर्ड लगा दें। तो प्रॉब्लम क्या होता है, पासवर्ड तो किसी एक को पता होगा ना, तो हमें उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको पासवर्ड पता है, तो वो अगर कुछ गड़बड़ करता है तो एक करेगा, मान लो उसने गड़बड़ करके निकल गया तो क्या सर, गया मर गया। तो उस केस में हमने मेरे सुझाव दिया कि एक काम करते हैं कि मैं फाइल में माइक्रो लगा देता हूं कि जब भी हमारा फाइल सेव होगा मतलब क्लोज होगा तो क्या करेगा, अपना पासवर्ड चेंज कर देगा, और वो पासवर्ड जो चेंज करेगा उसकी जो मेल है वो मेल थर्ड पर्सन को करेगा। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, पहला जो फाइल ऑपरेट करता है, ठीक है, दूसरा जिसके मेल आईडी से पासवर्ड मेल किया गया है, और तीसरा जिसको रिसीव हुआ है, समझे। तो मतलब कि जो ऑपरेट करता है वो इन दोनों से पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि कल का पासवर्ड क्या है बता दो, और जो फाइल जो है दिन में एक बार ही ओपन होती थी, उसको आधा घंटा अपडेट करने के लिए टाइम मिलता था, आधा घंटा में अपडेट ओपन हुआ और फिर क्लोज हो जाता था। तो जैसे ही क्लोज होता था वो मैंने आउटलुक सिस्टम में सीडीओ कनेक्शन के जरिए कर रखा था कि उसको जो है POP3 से उसके मतलब की जोड़ी नहीं कि हमारे आउटलुक से जाएगा, वो उसके ईमेल आईडी से चला जाता था मेल, तो उसके सेंड आइटम में रिफ्लेक्ट कर जाता था, और जिसको जाता था उसके टू में रिफ्लेक्ट कर जाता था। तो जब उसको फाइल ओपन करना होता था तो लास्ट मेल जो आया हुआ है वो पासवर्ड देते थे, तो वो पासवर्ड जनरेट हर बार नया होना चाहिए, वो सिस्टम हमने यहां से किया था, ठीक है। चलिए लास्ट में आपके सामने एक ये होगा कि आप लोग इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये चीजें थोड़ी सी 2 क्लास बाद की थी, फिर मैंने आज बता दिया क्योंकि आज थोड़ा सा मूड था बताने का, क्योंकि सीरियल नंबर चल रहा था तो हम बता रहे सीरियल नंबर इस तरह से भी क्रिएट किए जा सकते हैं।
इसमें भी एक डायनेमिक क्रिएशन है, डायनेमिक क्रिएशन, क्योंकि इसमें तो लेंथ फिक्स है ना, लेंथ अगर घटता है बढ़ता है तब क्या करेंगे, तो वो चीजें हम आपको आगे कुछ क्लासेज में समझाएंगे। ओके बट आगे वाली क्लास में जरूर चल जाइएगा सर दोबारा।